Hi guys, this is Dhananjay and you must have read the title of the video, that is Personal Finance and Financial Security. So, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. We will learn what is personal finance, what is financial security and how you can achieve financial security. Now, the main reason आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि स्कूल में कॉलेजेस में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं. हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फाइनेंस हमें उतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती. और जो लोग फाइनेंस भी पढ़ते हैं उन्हें ये बात पता होती है कि वॉरेन बफे ने इस साल कितना कमाया, वॉरेन बफे के पास कितनी कंपनीज है. लेकिन पर्सनल फाइनेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, वो कोई पढ़ाता ही नहीं है. इसलिए आज हम पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे. अब लोगों को लगता है कि जब कोई इंसान फाइनेंस की बात कर रहा है तो उसका मतलब है स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, सिर्फ यही. सी, फाइनेंस सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है. और जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें फाइनेंस पढ़नी है तो वो चीज़ें बेकार हैं. वो चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं. वो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं. दे हेल्प यू डेवलप योर ब्रेन एंड हेल्प यू अटेन अ करियर. वो आपका करियर बनाने में हेल्प करती है. आपने किस फील्ड में जाना है, यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर और समथिंग एल्स. लेकिन जब आप एक करियर में जाते हो तो मेन मोटिव आपका होता है पैसा कमाना. जब आप पैसा कमाते हो तो उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये हमें पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की स्टडीज सिखाती हैं. अब पहला क्वेश्चन तो यही कि पर्सनल फाइनेंस है क्या. सी, आसान शब्दों में पर्सनल फाइनेंस है मैनेजिंग योर मनी. जब आप अपनी मनी को, जब आप अपनी सैलरी, जो भी आपका इनकम या रेवेन्यू सोर्स है, उसको ऑब्जर्व करते हो, अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस चीज़ पे कितना स्पेंड कर रहे हो, इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, मैनेज करना, इस चीज़ को बेसिकली हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं. पर्सनल फाइनेंस इज़ बेसिकली एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर मनी. जब आप अपनी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे होते हो तो ये सारा प्रोसेस भी पर्सनल फाइनेंस के अंदर ही आता है. और पर्सनल फाइनेंस के बेसिकली पांच मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हैं आपकी इनकम, स्पेंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इज़ काइंड ऑफ अ, आप लगा लो, एक एमरजेंसी फंड जो आपके पास होना चाहिए हमेशा इन केस ऑफ सम एमरजेंसी और समथिंग. और ये पांच कंपोनेंट्स टुगेदर बिल्ड अप योर पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट्स या फिर स्टडी ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस. अब आपने बहुत लोगों को देखा होगा या आप खुद भी ऐसे होंगे जो पेचेक टू पेचेक लिव करते हैं. जो पहले दिन उनके पास जब सैलरी आती है तब तो बहुत खुश होते हैं, तब उनके पास बहुत पैसा होता है. लेकिन बाय द एंड ऑफ मंथ उनके पास बेयर मिनिमम पैसे भी नहीं होते, तो वो फुल डिपेंड करते हैं अपने पेचेक पे. उनके पास सेविंग्स नहीं होती, उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई यू शुड स्टडी पर्सनल फाइनेंस. सी, इसका एक बहुत आसान आंसर तो ये है, टू रीच योर गोल्स, टू हैव अ बेटर, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लिव योर ड्रीम लाइफ बाय एनालाइजिंग योर मनी. और जब आप पर्सनल फाइनेंस पे स्टडी करते हो, जब आप इसको एक्सप्लोर करते हो, तब आप ये पेचेक टू पेचेक लिविंग या फिर मंथ के एंड में आपके पास कुछ पैसा नहीं होता, आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो. सी, जब आप पर्सनल फाइनेंस की रिपोर्टिंग करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो अपनी स्पेंडिंग्स, अपनी इनकम, आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, किस पे हो रहा है, आपने इंश्योरेंस पे कितना खर्च किया, आप हर महीने सेव कितना कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, तो आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हो. आप एक रिपोर्ट बना पाते हो कि हाँ, इस चीज़ पे मैंने आज खर्च किया, ये चीज़ बेकार थी, इस चीज़ की नीड नहीं थी. क्योंकि जब आप पर्सनल फाइनेंस नहीं करते हो, जब आप इन चीज़ों के बारे में नहीं देखते हो, तो आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हो. और आपको लगता है कि हाँ, मेरा पैसा कम है मेरे पास, मेरी सैलरी कम है, मेरी इनकम कम है, मेरा रेवेन्यू सोर्स कम है. तो जब आप पर्सनल फाइनेंस करते हो, पर्सनल फाइनेंस करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अगर आपकी इनकम 50,000 है, 20,000 है, 2,00,000 है, 10,00,000 है, हर इंसान को पर्सनल फाइनेंस करनी चाहिए ताकि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सके एंड एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जी सके. नाउ एज आई सेड अर्लियर, यू डू पर्सनल फाइनेंस सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर अर्निंग्स, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, योर एमरजेंसी मनी, एमरजेंसी फंड्स एंड योर इंश्योरेंस. आपने किस चीज़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपकी मंथली इनकम या फिर ईयरली इनकम में से कितना पैसा आप इंश्योरेंस पे लगा रहे हो और आप उस इंश्योरेंस से कैसे फ़ायदा ले सकते हो.
अब ये सब तो था हमारा पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के जो पांच मेन कंपोनेंट्स हैं, आपको पर्सनल फाइनेंस क्यों करना चाहिए, क्या होता है वो, अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। सी, आसान शब्दों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, यही ना कि आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपके पास अच्छा पैसा हो, आप अच्छी जगह पे पैसा लगा रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके पास कैश फ्लो हो अच्छा खासा, और आपको ये पेचेक टू पेचेक ना जीना पड़े, जब भी आप जो चीज़ अपने मन की चाहो उसे खरीद सको, इस चीज़ को बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही डेफिनेशनल टर्म में जाएंगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ द कंडीशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन्स पर्सनल मनी एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। अब सबसे पहली बात ये जानने के लिए कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो या नहीं हो, आप अपने आप से खुद पूछो कि हाँ धनंजय, क्या मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, और आपको उसका सही जवाब मिल जाएगा, एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने का मतलब ये है कि आपके पास एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम हो, आपके पास एक कैश फ्लो हो जो आपके पास आ रहा है हर महीने, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। इस बात का ये मतलब है कि आप पहले एक महीने तो आप खर्च कर रहे हो 50,000, अगले महीने आपके खर्च हो रहे हैं 10,000, उससे अगले महीने आपके खर्च हो रहे हैं 1,00,000। तो ये चीज़ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो तो। और आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। सी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अब दो डिफरेंट टर्म्स है, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो, या आपके पास सेविंग्स हो, या आपके पास एक प्रोपोर्शन में दोनों हो। और आपका जो कैश बैलेंस है, जो आपके पास जो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो कैश फ्लो आपके पास आ रहा है हर महीने, वो इनक्रीज़ हो। और उसका आपको एक अलग सोर्स बनाना पड़ेगा बेसिकली, कि मैं उस चीज़ को कैसे इनक्रीज़ कर सकता हूँ। आपको साइड हसल करना है, आपको सेकंड जॉब करनी है, आपको बिजनेस को ग्रो करना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को जब आप ये सारी चीज़ें अटेन कर लेते हो, तब आप ही कह सकते हो कि हाँ मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, लेट्स डेविएट फ्रॉम द टॉपिक एक सेकेंड के लिए। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई पैसा मैटर नहीं करता, लाइफ में और भी खुशियाँ हैं, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। तो भाई वो लोग सबसे पहली बात तो बेवकूफ़ है। कोई भी इंसान जिसके पास पैसा है वो ये बात नहीं कहता कि पैसा मैटर नहीं करता। और जो इंसान ये बात कहता है ना कि पैसा मैटर नहीं करता, लाइफ में और भी चीज़ें हैं, आपको खुश होना चाहिए, आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन जो इंसान ऐसी बातें कर रहा है ना, सबसे पहली बात ये वही इंसान है जिसके पास खुद के पास पैसा नहीं है। आप किसी भी इंसान को जो रिच है, जिसके जो वेल्दी है, जिसके पास एक अच्छा कैश फ्लो है, वो कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि पैसा बैठा नहीं है। यू मस्ट डिटरमाइन योर एग्जिस्टिंग नेटवर्थ, इसका मतलब है कि आप महीने का, साल का कितना पैसा कमा रहे हो। मेक अ बजट यू कैन स्टिक टू, एक बजट बनाओ जो रियलिस्टिक हो। ऐसा ही नहीं कि जोश में आके एक बजट बना दिया जिसको आप फॉलो ही ना कर पाओ। एक रियलिस्टिक बजट बनाओ और उस पर स्टिक करो, उसको जेन्युइनली फॉलो करो। एक्यूमुलेट एन एमरजेंसी फंड एंड पे ऑफ योर डेट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सी, डेट्स को ज़्यादा जब आप रखते हो ना, तो वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो बिजनेस में डेट्स को लेते हो आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदी है उसके लिए आपने डेट लिया है, अगर आपने एक फ़ोन खरीदा है उसके लिए आपने डेट लिया है, तो वो चीज़ फाइनेंशियली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना डेट कम हो उतना ही लो, क्योंकि आप डेट लेते हो 1,00,000 रुपये का, आपको इंटरेस्ट लगा के 1,00,000 के देने पड़ जाते हैं 1,50,000, तो जो बीच का 50,000 है वो आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो। तो डेट लेना उतनी ज़्यादा हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है फाइनेंशियली। चलो भाई, अब ज्ञान तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं वो 10 या 11 ऐसे स्टेप्स की जो आपको चाहिए, जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी अटेन कर सको, रीच कर सको। तो पहला स्टेप तो यही है कि हैव अ प्रॉपर बजट, जिसके बारे में हमने बात करी। सी, बजट ऐसा बनाओ जो कि आप अटेन कर सको, जिस पे आप फॉलो कर सको, जिस पे आप स्टिक कर सको। लोग क्या करते हैं, लोगों, मान लो आपकी इनकम है 1,00,000 रुपये, अब जोश में आके आपने बजट बना दिया कि हर महीने मैं खर्च करूँगा 30,000, स्पेंड करूँगा मैं 70,000, जो कि फॉलो हो नहीं पाता। पहले मंथ उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, थोड़ा करते भी हो, लेकिन फिर आप तंग आके उसको छोड़ देते हो। आप कहते हो भाई ये बकवास बात है, पर्सनल फाइनेंस मेरे काम की नहीं है, मेरी लाइफ जैसी चल रही है, मैं तो उस वैसे ही खुश हूँ। सी, 1,00,000 अगर आपकी इनकम है महीने की, तो आप ऐसा बजट बनाओ कि 50,000 रुपये का या 70,000 रुपये का, जो एक रूल होता है 50-30-20,
50-30-20 रूल कहता है कि जो 50% आपकी इनकम का है उसको तो आप अपनी लगाओ नीड्स के ऊपर, 20% आप लगाओ सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट पे, और जो बचा हुआ 30% है उससे अपनी वॉन्ट्स को पूरी करो। वॉन्ट्स मतलब जो लग्जरीज, जो शो ऑफ आप करना चाहते हो। पहली बात तो करना नहीं चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ कि यू ओनली लिव वंस, तो आपको खुद को खुश करने के लिए भी, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू डू सम थिंग्स। तो 50% अपनी नीड्स पे, 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। सी, अब मान लो आपकी इनकम है 1,00,000 रुपये, तो आपने ये करना है कि 1,00,000 में से सबसे पहले 20,000 रुपये तो आपने निकाल दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर उसके लिए सेविंग्स के लिए, फिर 50% अपनी लगाए नीड्स के ऊपर, और जो बचे हुए 30% है, 28-32 जितना भी इनकम का बचा हुआ पैसा है, उससे अपनी वॉन्ट्स को पूरा करो, जो आप खरीदना चाहते हो, जो आपने लग्जरी शॉपिंग करनी है, या आपने ऐसी कोई चीज़ों पर शॉपिंग करनी है जो उतनी ज़रूरी नहीं है बट आपका मन है। तो ये बजट फॉलो करो 50-30-20। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कट योर डेट्स। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, आई हैव गिवन यू दी होल रीजनिंग क्यों डेट्स अच्छे नहीं है। सी, डेट्स तब अच्छे होते हैं जब आपने बिजनेस ग्रो करना, जब आपने बिजनेस की स्टार्टिंग स्टेज पे हो, और जब आप अपनी इक्विटी नहीं देना चाहते हो। सी, डेट इक्विटी से सस्ता होता है, लेकिन असल में अगर आप किसी पर्सनल नीड के लिए डेट ले रहे हो, आप गाड़ी के लिए डेट ले रहे हो, तो वो डेट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको 10 लाख का आप डेट लोगे तो आपको 15-20 लाख रुपये वापस करने पड़ जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम होता है सारा। ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। सी, इमरजेंसी कब आ जाए, किस पे आ जाए, किसी को भी नहीं पता। आई होप टचवुड आपके ऊपर ना आए, बट स्टिल आपको प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। आपको आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। जो भी आपकी मंथली सैलरी है, एटलीस्ट उसका 2x या 3x इमरजेंसी फंड आपके पास सेव होना चाहिए, जो आप यूज़ ना करें। ये आपके सेविंग अकाउंट से अलग होगा, इसको आप अनटच रखोगे और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज़ करोगे। नाउ द फोर्थ स्टेप या फिर फोर्थ लो इज इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज बेटर देन सेविंग्स। सी, फॉर एग्जांपल 2010 में आपने 1,000 रुपये सेव किए, तो आज 2020 में वो 1,000 रुपये ही रहेंगे, लेकिन अगर आप 2010 में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो वो आज 1,000 रुपये 10,000 भी हो सकते थे, 1,00,000 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स में पैसा आपका डिक्रीज़ होता है, आपको लगता है 1,000 के 1,000 ही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण वो पैसा डिक्रीज़ हो गया। उस टाइम पे 1,000 रुपये में आप 10 चॉकलेट खरीद सकते थे मान लो, तो आज आप उस 1,000 रुपये में 5 ही चॉकलेट्स खरीद सकते हो। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से बचने का सिर्फ एक ही चारा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। सी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों की इम्पोर्टेंस है। सी, इन्वेस्टमेंट आप ये देखो कि आप कहाँ कर रहे हो, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो कहीं बार ऐसी होती है इन्वेस्टमेंट कि वहाँ से आप अचानक से बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, या फिर अगर आप पैसा निकालते हो तो वहाँ पे फाइन लगता है। थोड़ी सेविंग्स रखो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, इक्वली उसको डिवाइड कर दो। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज ओनली बोरो व्हाट यू कैन कंफर्टेबली रीपे। सी, पहली बात तो बोरो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशंस में होते हो कि आपको लोन लेना पड़ता है, आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं, तो आप उतना ही लो जितना आप आराम से पे कर सको, उतना नहीं लो जितना आप ये सोचो कि हाँ यार मैं पे कर सकता हूँ। जब आप खुद से पूछोगे ना कि अगर मैं 1,00,000 रुपये का लोन ले रहा हूँ तो क्या ये मैं आराम से पे कर सकता हूँ, अगर अंदर से आवाज़ आती है हाँ, तभी उतना लोन लो, वरना मत लो, कभी भी ज़्यादा लोन मत लो। क्योंकि अगर आप 1,00,000 का लोन ले रहे हो तो इस बात को दिमाग में रखो कि आपको 1,00,000 की बजाय 20,00,000, 18,00,000, 16,00,000 देने पड़ेंगे, तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, क्या आप 1,00,000 की चीज़ लेने के लिए 18,00,000 देने को तैयार हो, हाँ या ना। सिक्स्थ इज लर्न टैक्स सेविंग मेथड्स। अब लोगों को पता ही नहीं होता कि वो टैक्स सेव भी कर सकते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना रिवेन्यू है, इस पे मुझे इतना टैक्स देना ही देना है, मैं 30% टैक्स सेव में हूँ तो मुझे इतना देना ही देना है। सी, टैक्स सेविंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अब ये कैसे सेव करना है, कैसे सीखना है, उसके लिए आप जाओ यूट्यूब पे आर्टिकल्स पढ़ो, या फिर अपने नियरेस्ट CA से या लोअर से बात करो, तो उससे आपको पता लगेगा कि आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो 1 रुपये भी टैक्स नहीं देती, और हम लोग ही जो 20-30% वाले हैं वही टैक्स दिए जा रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैसे टैक्स बचा सकते हो। सी, टैक्स देना अच्छी चीज़ है,
टैक्स देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे टैक्स बचता है वहाँ पे बचाने में भी कोई हर्ज नहीं है ना। सेवन स्टेप टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज ऑलवेज हैव मोर देन वन इनकम सोर्स। भगवान ना करे आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है और वो जैसे अभी पैंडमिक आया था, कोविड आया था, उसके कारण चला जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो। अब वो इनकम सोर्स कैसे बढ़ेगा वो आपको देखना है। आपने कोई साइड हसल करना है, आपने कोई बिजनेस करना है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, रियल एस्टेट, कुछ भी करो, बट मेक श्योर कि आपके पास इनकम सोर्स हमेशा एक से ज़्यादा ही हो, क्योंकि एक इनकम सोर्स काफ़ी ख़तरनाक होता है। जैसे पैंडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, इस तरह में ये चीज़ तो हमने देखी भी है लाइव। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास अभी एक इनकम सोर्स है तो सोचो उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं क्या दूसरी जॉब कर सकता हूँ, या मैं कुछ इफ़ेक्टिव कर सकता हूँ, मैं कोई वर्क फ्रॉम होम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। बट थिंक अबाउट इट एंड इंक्रीज योर इनकम सोर्स। नाइन्थ स्टेप इज़ राइट योर एक्सपेंसेस डेली आफ्टर एंड ऑफ डे। इस बात का मतलब है कि आज पूरा दिन में मैंने क्या खर्चा किया उसको लिखो। आज मैंने खाने पे इतना खर्चा किया, आज मैंने टैक्सी पे इतना खर्चा किया, आज मैंने इस चीज़ पे इतना खर्चा किया, और उसको एनालाइज करो। सी इससे क्या होता है, जब आप लिखते हो ना तो आप एनालाइज़ करते हो कि यार इस चीज़ पे तो पैसा खर्चने की ज़रूरत ही नहीं थी, आज मैंने 400 रुपये इस चीज़ पे बेकार में ही खर्च दिए। तो आपको पता लगता है कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो, और ये जो 400 रुपये बचाए आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो उससे होता यह है कि आप अपनी स्पेंडिंग्स को इफ़ेक्टिव जगह लगा सकते हो, जहाँ पर असल में ज़रूरत है, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है आप उन खर्चों को कट कर सकते हो। एंड दी टेंथ एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ अप्लाई दी अबव मेथड या रूल्स। जो अभी हमने मेथड्स को पढ़ा है, जो अभी हमने मेथड्स को सीखा है, उनको यूज़ भी करो भाई। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नौ जो मेथड्स हैं इसमें से 4, 5, 6 कहीं आपको पता होंगे ऑलरेडी, लेकिन क्या आप उनको यूज़ कर रहे हो, क्या आप उनको अप्लाई कर रहे हो? नहीं ना। अब ये वीडियो देखने के बाद भी ये नहीं कि बस वीडियो देख ली उनको अप्लाई ना किया, उनको अप्लाई करो अपनी रियल लाइफ में एंड यू विल सी अ चेंज। इट इज़ गारंटेड कि अगर आप ये नो रूल्स करते हो अप्लाई तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ, यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ फाइनेंशियली, जिसमें आपको पैसे की उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी हर समय, आपको पेचेक टू पेचेक नहीं लिव करना पड़ेगा, एंड यू विल मेक श्योर कि आपके पास खर्चने के लिए पैसे होंगे जिस चीज़ पर आप एक्चुअली खर्चना चाहते हो। आपको महीने के एंड में आके ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई यार मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है, जब पेमेंट आएगी अगले महीने की उसी टाइम मैं खर्च सकूँगा। नहीं, जब आप ये मेथड्स अप्लाई करोगे यू विल रियली सी अ चेंज इन योर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी। इट्स ए गारंटीड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन मेथड, सो मेक श्योर कि आप ये मेथड्स को अप्लाई करते हो। नाउ जस्ट एन एडवाइस कि लोग आपको कहते हैं लिव बिलो योर मीन्स, तो भाई मत करो, डोंट लिव बिलो योर मीन्स। हाँ डोंट, क्योंकि द थिंग इज़ कि यू जस्ट हैव वन लाइफ, एंड वो लाइफ में भी आप हर समय इफ़ यू स्पेंड दैट लाइफ लिविंग बिलो योर मीन्स तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है, आपके पास 1,00,000 रुपये पड़ा है, और आप 1,000 रुपये की चीज़ लेने में सोच रहे हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है यार। अगर आपको वो चीज़ ज़रूरत है, आपको लगता है वो चीज़ मुझे खुश करेगी, दैट विल मेक मी हैप्पी, तो भाई उसे ले लो। इतना भी ज़्यादा बिलो योर मीन्स नहीं जीना कि वन लाइफ ही बेकार हो जाए। हमेशा एक बैलेंस बना के रखो जिससे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रीच कर सको, लेकिन आप हैप्पीली जी भी सको। डिपेंड करता है, अगर आपको 2,000 रुपये का कोई डिनर करना है तो कर लो, लेकिन मेक श्योर कि वो 2,000 के लिए आपके बैंक पे इतना बैलेंस हो कि वो चीज़ आपको इतनी इफेक्ट ना करे। लेट्स टॉक अबाउट फायर नाउ। ये गोली चलाने वाला फायर नहीं है, किसी को निकालने वाला फायर नहीं है। इस फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इस बात का मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हो कि इंडिपेंडेंस फाइनली आपको फाइनेंशियली मिल जाए और आप जल्दी रिटायर कर सको, 30 साल की एज में, 40 साल की एज में आप रिटायर कर जाओ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फायर इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप चाहते हो कि आप 30 साल में या 35 साल में रिटायर हो जाओ, तो आपके पास 20 साल में एक हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए, हाई पेइंग बिजनेस होना चाहिए जो आपको इतना पैसा इकट्ठा करके देगी 30 साल के बाद अगर आप काम ना करो तो आप जी सको अच्छी लाइफ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर आप फायर प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो यू अचीव फायर व्हेन यू स्पेंड लेस देन यू इन्वेस्ट। मान लो अगर आपकी इनकम 1,00,000 है तो आप 80,000 आप कर रहे हो सेव या इन्वेस्ट ही करोगे, तभी वो जाके पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ेगा, कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ेगा, और आप 20,000 में अपना गुजारा कर रहे हो। तो फायर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले भी बिलो योर मीन्स जियो, रिटायरमेंट के बाद भी बिलो योर मीन्स जियो।
तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ एक बेनिफिट है कि आपको 35 साल के बाद कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, और उस चीज़ का कोई यार कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। अगर आप 35 साल के बाद कोई काम ही नहीं करना चाहते तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि 35 साल के बाद मैं बिलो माई मीन्स जी लूँगा, बस मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो यू कैन थिंक ऑफ इट, बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे काम करना चलना एक ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो यू विल बी लाइक अ डेड प्लांट जो कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ बैठा है, खा रहा है, टाइम पास कर रहा है बस। तो मेक श्योर कि सी मेरी प्रिंसिपल्स में ये फायर वगैरह चीज़ें नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छा है, आपके लिए आपको ये बेनिफिट कर सकते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। बट माई एडवाइस इज़ कि ऐसी बेकार की फाइनेंशियल एडवाइसेस को मत सुनो। मैंने आपको ये इसलिए बताया है यहाँ पे ताकि आप इनको अगर कोई और वीडियो में, कोई आर्टिकल में, कोई बुक में सुनते हो तो वहाँ पे फायर की सिर्फ अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन फायर की बहुत ज़्यादा बुरी बातें हैं। सी मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान जो फायर करता है वो बेकार है या फिर वो इफेक्टिव नहीं होता। सी उन लोगों के लिए इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव हो, ये सारी रिलेटिव चीज़ें हैं। लेकिन जब अगर आप ऐसा कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हो तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसको सोच समझ के लो, अच्छे से लो। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू रीच पर्सनल फाइनेंस इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। यू कैन रीड बुक्स लाइक द सीक्रेट टू मनी, रीड बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। इससे आपको पता लगेगा कि साइकोलॉजी क्या होती है मनी की, आप मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, रिच डैड और पुअर डैड में क्या फ़र्क होते हैं, उनकी साइकोलॉजी में, उनके माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से आपको पता लगे, उससे आपको वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थिंक एंड ग्रो रिच बेसिकली आपको बताती है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करते हो, पैसे को कैसे अपने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन बुक्स को पढ़ो और सीखो इनको। And at the last, if you have any questions, you can comment down. I will make sure that I will answer you, or I will make a video on that particular question. जो भी आपकी queries है, जो आप चाहते हो जिस पर मैं video बनाऊँ, you can comment down and I'll be happy to make a video or I'll be happy to help you with that. Thank you so much. And make sure कि आप channel को subscribe कर रहे हो, like कर रहे हो, और अपने friends के साथ, colleagues के साथ share कर रहे हो ताकि उन्हें भी